तेरा सब कुछ मैं, मेरा सब कुछ तू। आज हम लोग झंडा फहराने वाले हैं केदला अंडरग्राउंड में, जो कि रामगढ़ डिस्ट्रिक्ट में पड़ता है और यह झारखंड स्टेट में है। और हम लोग इस माइंस में, यानी अंडरग्राउंड माइंस है, जहां हम लोग आज झंडा तोलन करने वाले हैं। सभी कर्मचारियों के साथ मिलजुल कर हम लोग झंडा फहराने वाले हैं। और इस रिपब्लिक डे के शुभ अवसर पर मैं आप सबों को ढेर सारी बधाइयां देना चाहता हूं। और जैसे कि आप लोग देख रहे हैं कि सभी इकट्ठे हुए हैं झंडा फहराने के लिए। आज इस माइंस में झंडा फहराया जा रहा है और हमारे मैनेजर साहब भी और प्रश्नल साहब और जितने भी यहाँ कर्मचारी हैं और अफसर लोग हैं, वो सभी मिलकर झंडा फहराएंगे। और वो आप लोग देखिए, जैसे कि आप देख रहे हैं, सभी लाइन में खड़े हो गए हैं। हमारा जय भारत लिखा हुआ है। और जैसे कि मैनेजर साहब आ रहे हैं झंडा फहराने के लिए, और यह सबसे पहले निरीक्षण करेंगे, उसके बाद झंडा तोलन आरंभ होगा। और वीडियो में बने रहिए। कोई भी चुनौती, देश की ऊर्जा आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए हम पूरी निष्ठा के साथ अपना योगदान देने के लिए निरंतर प्रयासरत हैं। साथ ही साथ हम अपने कोयला कर्मियों हित धारकों के स्वास्थ्य, शिक्षा एवं सामाजिक उत्थान के प्रति भी प्रतिबद्ध है। हम सबको यह गर्व होना चाहिए कि आपकी कंपनी द्वारा राज्य के 5 जिलों में स्थित 9 केंद्रों पर 216,137 कर्मियों, उनके परिवारजन, ठेका कर्मी सहित आम जन का टीकाकरण सफलतापूर्वक किया गया। सीसीएल के लगभग सभी कर्मियों को कोविड वैक्सीन के दोनों डोज दिए जा चुके हैं। हमने केंद्रीय अस्पताल गांधीनगर, केंद्रीय अस्पताल रामगढ़ सहित सीएचसी टंडवा में पीएसए ऑक्सीजन प्लांट को स्थापित कर मेडिकल इंफ्रास्ट्रक्चर है। माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी द्वारा दिए गए मंत्र सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास एवं सबका प्रयास को मूर्त रूप देते हुए हमने 17 जनवरी को अक्षय पात्र किचन स्थापित किया जाएगा। यह भोजन जिले के 586 सरकारी स्कूलों में बच्चों को मिड डे मील प्रोग्राम के तहत दिया जाएगा। दोस्तों,